नमस्कार दोस्तों, लोकहित एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ कदावर अरेना डेमोक्रेटिक फ्रंट के कदावर नेता दिलीप चावला बिट्टू जी हैं हमारे साथ। दिलीप चावला बिट्टू जी, लोकहित एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जो अभी कुछ समय पहले किसान भाइयों पे पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उस चीज़ को थोड़ा सा आप विस्तारपूर्वक बताएं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ तो ये किसानों को, जवानों को ये लोभ लुभाने वादे करके प्रदेश में और देश में ये सत्ता हथियाई भारतीय जनता पार्टी ने। आज वही सरकार उन किसानों पे जो हमारे अन्नदाता हैं और उन्हीं जवानों से ये पिटवा रहे हैं और लाठी चार्ज करवा रहे हैं, जिससे कई किसान जख्मी हुए और हमारे अंबाला जिला से भी कई साथी हमारे जख्मी हुए। ये बहुत निंदनीय है और मैं ये समझता हूँ और भी निंदनीय ये जो बात है, प्रदेश के गृह मंत्री ये बात कहें कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, तो ये और भी शर्मनाक बात है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट इसकी घोर निंदा करता है और हमारे फ्रंट के अध्यक्ष चौधरी निर्मल सिंह जी ने कल भी ये आह्वान किया है कि एक एक कार्यकर्ता जो है किसान के हित में, किसान के साथ खड़ा है, और जो भी किसानों के हित में बात होगी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट वही आवाज उठाएगा। दिलीप चावला जी, कुछ एक देखा जाए कि कई किसानों ने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि यहाँ पे बीजेपी के किसी भी नेता का आना मना है, तो इस चीज़ को कहाँ देख कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो इनके कदम उठाए जा रहे हैं और हर किसान वर्ग के हर वर्ग इस समय जो प्रदेश का, देश का नागरिक है, वो हर वर्ग दुखी है। और ये आने वाले दिनों में जिस तरह से इन्होंने लोग लुभाने वादे करके सत्ता हथियाई है, वही हाल इनका होगा। उससे भी ज़्यादा बुरे हालात से ये लोग जो हैं ये दुखी हुए हैं और इनको पछाड़ेंगे। अभी एक उपचुनाव होना है, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि क्या उस उपचुनाव में क्या रिजल्ट आपको लगता है कि आएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा और JJP जो इनका गठबंधन है, बुरी तरह से उनका उम्मीदवार हारेगा। यह मैं तो समझता हूँ कि जमानत जब्त होगी इनके उम्मीदवारों की। तो आगे किसान भाइयों के लिए आपका डेमोक्रेटिक फ्रंट आगे लड़ाई में शामिल रहे? बिल्कुल शामिल होगा जी, किसानों के साथ ही है और हमारा फ्रंट है जो उसके अध्यक्ष जो हैं हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, वो सब कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे नेता हैं और किसानों के लिए रात दिन साथ देंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा देता हूँ। ये थे हमारे साथ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के कद्दावर नेता दिलीप चावला बिट्टू जी, जिन्होंने अभी किसानों को लेकर अपनी बात साझा की। लोकहित एक्सप्रेस के लिए अम्बाला से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।